हाय गाइस, तो लेकर आ गया हूँ मैं गुड न्यूज़। जो कि गुड न्यूज़ है वो रेडमी ने अपना एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है, जो कि रेडमी 9 स्मार्टफोन को। रेडमी 9 स्मार्टफोन की काफ़ी टाइम से इस फ़ोन का डिस्कस चल रहा था कि कब इस फ़ोन को लॉन्च किया जाए, लेकिन वो पहले भी इस फ़ोन का कुछ स्पेसिफिकेशन भी निकल कर सामने आ चुकी थी, लेकिन अब रेडमी 9 स्मार्टफोन को फाइनली भारत में इस फ़ोन को लॉन्च कर दिया गया है। और ये फ़ोन एक मिड बजट में इस फ़ोन को दिया गया है। और गाइस, भारत में इस फ़ोन को कितने वेरिएंट में इस फ़ोन को दिया गया है, तो गाइस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस फ़ोन का सारा डिटेल्स। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्या क्या फंक्शन फीचर्स इस फ़ोन में दिए गए हैं। तो गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो गाइस इसी बात पर वीडियो को कर देना लाइक। अगर गाइस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ऐसी वीडियो आप लोगों को और भी मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। रेडमी 9 स्मार्टफोन की डिज़ाइन की बात करें तो गाइस इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो एक वाटर नोट डिस्प्ले इस फ़ोन की दी गई है। फ्रंट पैनल पर स्क्रीन के तीनों कॉर्नर पर बेजल लेंस दिए गए हैं, और फ़ोन के बैक साइड में आपको चौकोर आकार में आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, और साइड में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस इस प्रकार से इस फ़ोन का डिज़ाइन दिया गया है। बात करते हैं गाइस इस फ़ोन के डिस्प्ले का, तो रेडमी 9 स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 20.9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ इस फ़ोन को दिया गया है, जिसका पिक्सल रेजुलेशन 1600x720 डिस्प्ले पिक्सल रेजुलेशन दिया गया है। रेडमी 9 स्मार्टफोन की डिस्प्ले को P2i से लेस किया गया है, जो कि फ़ोन को चलाने पर उसकी ब्राइटनेस से सुरक्षित रखता है। इस फ़ोन को एंड्रॉयड 10 पर दिया गया है, जो कि MIUI 11 पर काम करता है। इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 2.3 GHz क्वालकॉम स्पीड वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 12nm पर बना MediaTek Helio 35G का चिपसेट देखने को मिलेगा इस फ़ोन में। ग्राफिक के लिए फ़ोन में IMG Power VR GE8302 GPU का सपोर्ट करता है। गाइस बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की, तो Redmi 9 स्मार्टफोन को डुअल रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है, और कैमरे पर ही आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी इस फ़ोन में। जो कि इस फ़ोन का प्राइमरी कैमरा है वो एक 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो इस फ़ोन में आपको सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। गाइस रेडमी 9 स्मार्टफोन के अगर फीचर्स की बात करें तो गाइस इस फ़ोन में आपको लोअर पैनल पर USB टाइप सी बोर्ड और स्पीकर ग्रिल्स और 3.5mm के हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगी, जो कि लोअर पैनल पर दिए गए हैं। फोन के साइड में आपको वॉल्यूम रोकर और पावर बटन देखने को मिल जाएंगे। रेडमी 9 स्मार्टफोन को डुअल सिम में दिया गया है, और इस फ़ोन को 4G प्रोसेसर के साथ इस फ़ोन को लॉन्च किया गया है। तो गाइस इस प्रकार से इस फ़ोन के कनेक्टिविटी फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इस फ़ोन में। गाइस रैम और स्टोरेज की बात करें, रेडमी 9 स्मार्टफोन को भारत में 2 वेरिएंट में इस फ़ोन को दिया गया है, जो कि 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, और 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ये 2 वेरिएंट में इस फ़ोन को भारत में लॉन्च किया गया है। गाइस रेडमी 9 स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो गाइस इस फ़ोन में आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी इस फ़ोन की दी गई है। प्राइस की बात करें तो गाइस रेडमी 9 स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 64GB इंटरनल स्टोरेज की जो प्राइस है वो 8999 रुपये इस फ़ोन की प्राइस दी गई है, और जो 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज की जो प्राइस है वो 9999 रुपये इस फ़ोन की प्राइस दी गई है। और गाइस इस फ़ोन की जो सेल है वो 31 अगस्त से इस फ़ोन की फर्स्ट सेल स्टार्ट की जाएगी। तो गाइस इस प्रकार से इस फ़ोन को लॉन्च किया गया है। तो गाइस मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ऐसी वीडियो आप लोगों को और भी मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।